हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर हुसैन। डॉक्टर हुसैन के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं होम रेमेडीज़ फॉर वोमिटिंग और डायरिया, यानी कि उल्टी और दस्त के लिए हम यहाँ पे होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को बहुत सारे ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगे। उसके साथ ही ये हमारे कुछ सोशल लिंक्स हैं, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ये जो है एक तरह से वोमिटिंग पे फोकस करेंगे, उसके साथ डायरिया पे फोकस करेंगे। उल्टी और दस्त के घरेलू उपचार में अगर देखें तो जब भी ऐसा हो कि किसी भी छोटे या बड़े सदस्य को उल्टी या दस्त की वजह से हो, तो उसमें बदहजमी एक तरह से मुख्य कारण होता है। बदहजमी का मतलब है कि एक तरह से जो भी आप खाना खाते हैं वो हजम नहीं हो पाता, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस कारण से क्या होता है, उल्टी और दस्त हो जाते हैं। कभी कभी सर्दी या गर्मी लगने से, दूषित खान पान से उल्टी या दस्त की समस्या हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ऐसा अप्लाई है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा सर्दी हो जाए तो भी एक तरह से खाना ठीक से पच नहीं पाता तो उल्टी हो जाती है। गर्मी लग जाए तो भी ऐसा हो सकता है कि खाना ठीक से पच नहीं पाए तो उल्टी हो जाती है। उल्टी होने पर नींबू का रस पानी में घोल के लेने से शीघ्र ही एक तरह से फ़ायदा मिलता है। आप एक दो लौंग, दालचीनी और इलायची मुँह में रखकर चूसिए। यह मसाले उल्टिया विरोधक औषधियों के कारण उल्टियाँ रोकने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। क्या क्या? इलायची, दालचीनी या इलायची, लौंग। यानी कि अगर आप जब भी ऐसा आपको मूड हो कि जो उल्टियों जैसा मूड हो रहा है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एक दो इलायची ले सकते हैं या दालचीनी या फिर जो लौंग है उसे मुँह में लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये इनमें जो होती है एक तरह से उल्टियाँ रोकने के लिए जिन औषधियों का यूज किया जाता है वो होते हैं, तो उनमें ये फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तुलसी के पौधों का एक चम्मच रस शहद के साथ लेने से उल्टी में लाभ मिलता है। अगर आपकी उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, हो रही हैं बार बार, तो क्या करते हैं, तुलसी के पत्तों के साथ एक चम्मच शहद मिला के ले लें, उससे क्या होगा उल्टी एक तरह से रुक जाएगी। अगर कभी ऐसा हो कि आप इन सारी चीज़ों को ना मतलब एक तरह से नहीं आपको मिल रही हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी एक चम्मच प्याज का रस ले लें, उससे भी क्या होगा, उससे भी उल्टी जो है वो एक तरह से रुक जाती है। गर्मी में अधिकतर ऐसा होता है कि बार बार उल्टियाँ होते रहती हैं, तो आप एक तरह से बर्फ़ भी चूस सकते हैं, उससे क्या होगा उल्टियाँ एक तरह से रुक जाती है। पुदीना के रस लेने से भी उल्टी रुक जाती हैं, कि अगर आपके पास पुदीना है तो उसका रस बना के पी ले तो भी क्या होगा, जो बार बार उल्टियाँ होती हैं वो रुक सकता है। धनिया के पत्ते और अनार के रस को थोड़ी थोड़ी देर के बाद में लेने से, और ऐसा एक साथ नहीं, बारी बारी पीने की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा उल्टियाँ रुक जाती हैं। इनमें दो भी आपके साथ जो मिल सके आसानी से आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जो सौंठ है उसे शहद के साथ, एक चम्मच शहद के साथ लेने से जो उल्टी है उसमें शीघ्र ही आराम मिल जाता है। कि अगर आपके पास सौंठ है तो उसका 1/4 चम्मच, यानी कि एक चम्मच का फोर्थ भाग लें, और जो एक चम्मच शहद लें, तो उससे क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर लें तो उससे क्या होता है, जो उल्टी है वो शीघ्र ही आराम मिल जाएगा। नींबू का जो अगर कोई टुकड़ा हो उस पर काले नमक के साथ अपने मुख में रखने से उल्टी जो है वो एक तरह से महसूस नहीं होती है, उल्टी रुक जाती है। आधा चम्मच पीसे हुए जीरे को पानी के साथ सेवन करने से भी जो उल्टी है उससे छुटकारा मिल जाता है। अगर जब भी एक गिलास पानी में एक चम्मच एप्पल सिरका डालकर पियेंगे तो क्या हो, उल्टी रुक जाएगी। और ऐसा तभी करें जब उल्टी का मूड हो रहा हो या उल्टी रुक नहीं रहा हो, तो आप जो एप्पल सिरका है उसका एक चम्मच पानी में डालकर, एक गिलास पानी में डालकर पियेंगे तो उल्टी जो है वो आराम मिल सकता है। उल्टियाँ होने से 12 घंटों तक ठोस आहार का सेवन ना करें, लेकिन भरपूर मात्रा में पानी और फलों का जूस है उसे सेवन करते रहें। ठोस मात्रा में आहार का मतलब है कि एक तरह से ऐसी खाना ना खाएं जिसे कि आप पचा ना सके और वो आप फिर से बाहर फेंक दें।
तो आप पानी लें, पानी के साथ अगर मिल जाता है आपको जूस, तो फल जो है डिफरेंट फल है उनके जूस लें, क्योंकि इनका जो है वो आसानी से उल्टी है वो जल्दी से नहीं होगा। ये है तैलिया या मसालेदार या भारी मुश्किल से पचाने वाले पदार्थ का सेवन ना करें। तैलिया का मतलब है जो तेल से बने पदार्थ हैं, जैसे पराठे, पूरी, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें उस समय। मसालेदार और भी भारी जो ऐसी चीज़ें जिन्हें पचाने में काफ़ी टाइम लगता है, उनका सेवन उस समय ना करें जब तक ये उल्टियाँ ठीक ना हो। इनसे भी एक तरह से उल्टियाँ आती रहती हैं। जो अगर पित्त की उल्टी हो रही है तो उनमें शहद और दालचीनी को मिलाकर चाटें, उससे क्या होगा कि ये एक तरह से रुक जाएगा। हरहर को पीसकर भी शहद के साथ मिलाकर चाटने से उल्टी जो है वो बंद हो जाती है। और खाना खाने के तुरंत बाद ना सोएं, खाने के बाद टहलने की आदत डालें। जब भी सोएं तो अपनी दाहिनी बाजू पर सोएं, इससे आपके पेट के जो पदार्थ होते हैं वो मुँह तक नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा होता ही है कि जब भी आपका जो सर होगा वो अपने के जो बाजू पे होगा तो क्या होगा कि जब का सर होगा वो हमेशा ऊंचा होगा, पेट जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। आपका पेट जब भी ऊपर की तरफ आ जाता है, सर नीचे की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं आपके मुँह तक कभी कभी आने लगता है। आपको ऐसा फील होने लगे कि जो आपने खाया वो आपके मुँह तक वापस आ रहा है, तो ऐसे में भी उल्टियाँ जो हैं वो हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे में होता है कि जो जो पेट जो खाना है जो पदार्थ है वो पेट के अंदर चला जाता है। वहाँ क्या होता है वो एक तरह से डाइजेशन उसमें शुरू हो जाता है, तो क्या होते हैं एक तरह से अम्लीय हो जाते हैं, और वो जब भी आएंगे आपके मुंह तक तो फिर से दोबारा खट्टा लगने लगता है। दही भात को मिश्री के साथ खाने से भी जो दस्त है उसमें आराम मिल जाता है। दही भात का मतलब है यहाँ कि दही और राइस के साथ को में मिश्री मिलाकर, यानी मिश्री एक तरह से शुगर मिला के खाएंगे तो उसमें भी दस्त से आराम मिलता है। एक चम्मच अदरक, नींबू का रस और काली मिर्च के साथ लेने पर दस्त में आराम मिल जाता है। सौंफ और जीरे को बराबर बराबर मिलकर भून कर पीस लें, और इसे आधा आधा चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से दस्त में काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, सौंफ और जीरे को बराबर बराबर मिलाकर पीस लें, भून कर पीसें और उन्हें आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार लें, इसी के बाद जो दस्त होगा वो एक तरह से कम हो जाएगा। केले और सेब का मुरब्बा और पके केले का सेवन करें, दस्त में तुरंत आराम मिलेगा। केले क्या होते हैं, केले एक तरह से जो होते हैं ये जो हमारी डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसे बांधने में कोशिश करते हैं, यानी कि जो दस्त होता है उसे रोकने में सहायता करेंगे। दस्त आने पर अदरक के टुकड़े को चूसें, अदरक की चाय पिएं, पेट की मरोड़ भी शांत होती है और दस्त में भी आराम मिलता है। दस्त रोकने के लिए चावल की माड़ में हल्का नमक और काली मिर्च डालकर इसका सेवन करें, इससे भी क्या होगा दस्त जो है वो रुक जाएंगे। जामुन के पेड़ की जो पत्तियां हैं उन्हें पीसकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर 1/4 चम्मच दिन में 2 बार लेने से दस्त जो है वो रुक जाएगा। दस्त आने पर दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का सेवन कतई भी ना करें, क्योंकि ये दस्त के लिए बहुत ही एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, जुने है, एकाग्र कर देता है, यानी कि उन्हें आने में मदद करता है। दस्त आने पर दस्त के साथ शरीर के जो खनिज होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, भी बाहर आ जाते हैं। इससे क्या होती है, इनमें इससे जो शरीर है उनमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स की कमी पड़ जाती है, जिससे शरीर जो है जो बॉडी है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इनका ध्यान जरूर रखें, और इन एलिमेंट्स को पूरा करने के लिए जो ORS का घोल है उन्हें जरूर पीते रहें। अगर आपको दस्त ज़्यादा देर से है, ज़्यादा दिन से है, तो उनका जो है वो एक ORS का जो घोल है वो दिन में 1-2 बार जरूर पिए। उससे क्या होगा, जो खनिज और जो एलिमेंट्स हैं जो बाहर आ गए हैं उनका भरपाई होते रहेगा। तो ये हमारे वीडियो का अंत, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड अगर आपको कोई क्यूरी है रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड अनदर वीडियो, यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन और डिस्कशन सेक्शन। उसके साथ ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ ही आप कम से कम प्लास्टिक का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ट्री का सेव कीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।